नमस्कार, मैं गजल पांचाल स्वागत करती हूं आप सभी का एसीपी न्यूज में। फरवरी से लागू होगा सीएए का नियम। ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज की अपने नाम। निर्भया के दोषियों को मिली फांसी की नई तारीख। कश्मीर पर पाक के साथ कोई नहीं। तीन साल में जींद में बनकर तैयार होगा मेडिकल कॉलेज। 700 करोड़ रुपए होंगे खर्च। गैर भाजपा शासित राज्यों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार नागरिक संशोधन कानून को लागू करने की तैयारी में है। 10 जनवरी को सीएए की अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार अब इसे लागू किए जाने के नियम कायदों को अंतिम रूप देने में जुटी है। असम के लिए नियम कायदे बाकी देश से अलग हो सकते हैं। समर्थन और विरोध के बीच फरवरी तक आ जाएगा सीए। जी हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जिसके खिलाफ देश में कई प्रदर्शन हुए और हिंसा भी भड़की, पर अब सरकार ने यह सूचना जारी कर दी है कि फरवरी तक यह कानून आ जाएगा। आपको बता दें कि कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया और कहा कि हम सीए को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे, पर इसके बावजूद भी सरकार अब इसके अंतिम नियम कायदों की ओर अग्रसर हो रही है। 10 जनवरी को इसकी एक अधिसूचना जारी की गई। अब इसके आगे माना जा रहा है कि फरवरी तक यह कानून लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि सीए के खिलाफ अभी भी शाहीन बाग में भी प्रदर्शन चल रहा है और कई जगह पे अभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। सीए के खिलाफ भड़की हिंसा ने कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, पर अब देखा जा रहा है कि सरकार इसे कब तक लागू करती है। कैमरा पर्सन आदिल के साथ मैं रूपल, एसीपी न्यूज पानीपत। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया की यह घर में 200वीं वनडे जीत है। वह ऐसा करने वाली एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी टीम बन गई है। एक और शानदार जीत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जहां भारत ने तीसरे वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम की। भारत ने अपने ही घर में 200वीं बार जीत हासिल किया। भारत ऐसा एशिया में ऐसा करने वाली पहली टीम रही और दुनिया में ऐसे करने वाली दूसरी टीम रही। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने 119 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लगन और मेहनत के कारण ही उन्होंने ये शानदार जीत हासिल की है। कैमरामैन आदिल के साथ मैं हर्षिता, एसीपी न्यूज पानीपत। निर्भया के चारों दरिंदों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन की अर्जी पर नया डेथ वारंट जारी किया। पहले 22 जनवरी को फांसी होनी थी, लेकिन मुकेश की दया याचिका लंबित होने से तारीख बढ़ानी पड़ी। हालांकि गुनहगारों की तिकड़मों के बीच इसे भी आखिरी तारीख नहीं माना जा सकता। निर्भया के गुनहगारों को 22 जनवरी को फांसी होने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है, जिसमें 1 फरवरी सुबह 6 बजे का समय दिया गया है। दोषी नए कानूनी पैतरे अपना रहे हैं, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 फरवरी को भी फांसी नहीं हो पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या निर्भया को इंसाफ मिल पाएगा, क्या दोषियों को सज़ा मिल पाएगी या नहीं। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है कुछ छात्राएं, तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका नेम क्या है? निधि। निधि, क्या निर्भया को इंसाफ मिल पाएगा? पॉसिबिलिटी तो पूरी है, बिकॉज अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जब उनकी मदर ने, आशा देवी ने, नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे उन्हें तभी कहा था, तो उन्होंने तब भी उन्हें आशा दी थी कि हाँ वो करवाएंगे, उनको सज़ा दिलवाई जाएगी, और अब हो सकता है कि जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जाए उनको। आपका नेम क्या है? दीक्षा। दीक्षा, क्या आपको क्या लगता है, 7 साल बीत जाने के बाद भी और जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जा रही है, कोई इंसाफ उनको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी तारीखें बीत जाने के बाद, इतना टाइम बीत जाने के बाद भी उनको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा। ये जो कल्प्रिट्स हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नए नए वेज ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, बट गवर्नमेंट ने अब स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, तो होप कर रहे हैं हम लोग कि उनको इंसाफ मिल जाएगा।
क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे कानून ये सब रूल्स वगैरह बनाता है, क्या उनको उनमें कुछ बदलाव करने चाहिए? कि ज़रूरी तो नहीं है चारों को फांसी साथ दी जाएगी, एक एक करके भी उनको फांसी दी जा सकती है। क्या आपको लगता है कि कानून में बदलाव होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इवन मैंने आज ही किसी पॉलिटिशियन शायद अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि विद इन 60 डेज आई थिंक उसमें उनको फांसी दे दी जाएगी। प्रॉपर स्टडी करने के बाद कोई ऐसा आना चाहिए लॉ जिसमें जल्द से जल्द उनको फांसी दी जाए या फिर कोई भी पेनल्टीज लगाई जाए उनके ऊपर। थैंक यू। छात्राओं को ये कहना है कि जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कहीं ऐसे रूल बनाए जाने चाहिए कि जल्द से जल्द उनको फांसी मिले। कैमरामैन प्रभ के साथ मैं आस्था, एसीपी न्यूज़ पानीपत। जर्मनी के सरकारी टीवी चैनल डाइचे विले को साक्षात्कार में इमरान खान ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया ठंडी रही है। हालांकि इसके लिए इमरान ने अपने अंदर झांकने के बजाय पश्चिमी देशों पर व्यावसायिक हितों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। भारत एक बड़ा बाजार है, इसीलिए कश्मीर पर कोई नहीं बोल रहा है। पाक पीएम ने जर्मनी के चांसलर से की फोन पर बातचीत। बीते शुक्रवार पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जर्मनी के चांसलर से फ़ोन पर बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के खातिर तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं जर्मनी के द्वारा इस पर लगातार निगरानी रखी गई है। अगर बोलने की स्थिति हुई तो जर्मनी अवश्य बोलेगा। वहीं भारत के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया गया है कि कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है और किसी को भी इसमें बोलने की इजाज़त नहीं है। और वही पाकिस्तान भी इस असलियत को संभाले। कैमरामैन आदिल के साथ मैं डिम्पी, एसीबी न्यूज़ पानीपत। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी माने जाने वाले जींद में लोगों का बरसों का इंतजार खत्म हो गया है। पहले यह कॉलेज 500 बेड का बनना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 750 बेड का किया जाएगा। कॉलेज का निर्माण 3 साल में 700 करोड़ रुपए लगाकर पूरा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीआईडी पर अधिकार को लेकर स्वास्थ्य विभाग में शुरू हुई 447 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया सीएम ऑफिस की तरफ से रोक दी गई है। जींद में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लगाई मोहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जिला जींद की, जहां पर विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज की अप्रूवमेंट मनोहर लाल खट्टर ने दे दी है। जो कॉलेज 3 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। आइए, हमारे साथ कुछ युवा विद्यार्थी खड़े हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, जैसे कि आपने देखा, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अप्रूव कर दिया है कि 3 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा, आपका इस बारे में क्या कहना है? हरियाणा के जींद जिले में जो सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कॉलेज बनाया जा रहा है, ये इससे हमारी जींद जिले की पूरी पब्लिक बहुत खुश है। जैसे कि आपने देखा कि इसमें हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और गृह मंत्री अनिल विज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो हमारे डिप्टी सीएम है वो जींद के चहीते माने जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जींद जिले के लोगों का मानना है कि इसमें हमारे जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं और जो ये अनिल विज जी हैं, ये बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर का। जैसे आपने देखा कि युवाओं में काफ़ी जोश है, जो कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब देखना होगा कि ये 3 साल के अंदर कैसा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साहिल शर्मा, एसीपी न्यूज़ पानीपत। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए एसीपी न्यूज़ पानीपत।